सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है फेसबुक पर डेटा ब्रीच होते रहता है, तो अगर आप उसमें से एक हैं जो अपने प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, तो आपके मन में भी एक सवाल आया रहेगा कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को कैसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं ताकि आपकी प्राइवेसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस वीडियो में आपको सभी को इसी बारे में मालूम पड़ेगा कि कैसे आप अपने डेटा को बचा सकते हैं उस फेसबुक अकाउंट को डिलीट करके। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए रहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप सभी के लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए फटाफट इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो अब देख लेते हैं आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए लेके चलता हूँ आप सभी को अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और यहाँ पर अपने फेसबुक में लॉगिन कर लेते हैं। फेसबुक में लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का होम पेज आ जाता है। होम पेज आने के बाद यहाँ पर जो आपको तीन डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको स्क्रोल डाउन करना है। स्क्रोल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन दिखता है सेटिंग इन प्राइवेसी का, इसके ऊपर आप सभी को क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको वापस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वापस से स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक ऑप्शन सर्च करना है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इस सभी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप देख सकते हो योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन के अंदर अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, डीएक्टिवेट एंड डिलीटेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी टेम्परेरी डिलीशन और परमानेंट डिलीट योर अकाउंट, तो हमें परमानेंट डिलीट करना है। तो इसके लिए वापस इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको वापस दो ऑप्शन दे रहा है, डिलीट कैसे करना है आपको, परमानेंट या टेम्परेरी। तो मुझे डिलीट करना है परमानेंट ताकि मेरा डेटा सिक्योर है, डेटा ब्रीच होगा तो आपका डेटा इसके ऊपर नहीं रहेगा, तो आपकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी जा नहीं सकेगी। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू तो अकाउंट डिलीटेशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आपको ये पूछ रहा है कि आपको क्यों डिलीट करना है, तो आपको ऐसा लग रहा है आई हैव प्राइवेसी कंसर्न, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है जो हाईलाइट किया हुआ है, कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन, इसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर लेना है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि डिलीट में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो डिलीट हो जाएगी, तो आपको इसमें वापस डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जिस तरह से आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देगा इंटर योर पासवर्ड, तो आपका जो पासवर्ड रहेगा आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद आप सभी को यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन पूछ रहा है, ये नोटिफिकेशन है कि आप सच में अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर आपको हाँ करना है तो आप यहाँ पर डिलीट योर अकाउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक इन्फॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है कि अगर आप सच में अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो 30 दिन के अंदर आप एक बार भी उसके ऊपर लॉग इन मत कीजिए। अगर आप वापस से लॉगिन करते हैं तो आपका अकाउंट वापस से रिएक्टिव हो जाएगा। वापस वो डिलीट करने के लिए आपको ये पेशेंस रखना है, 30 दिन के अंदर आपको वापस से लॉगिन नहीं करना है। अगर से आप 30 दिन के अंदर वापस लॉगिन करेंगे तो वापस आपको ये प्रोसेस दोहराना पड़ेगा। तो ये आप डिलीट अगर आपको करना रहेगा तो डिलीट योर अकाउंट पर क्लिक करना है। तो अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, तो मैं अपना अकाउंट डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ और वापस पूरा बैक कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अभी समझ गए रहेंगे कि फेसबुक पर अपने अकाउंट को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आपके भी मन में ऐसा रहेगा कि आपको प्राइवेसी कंसर्न है तो आप अपने अकाउंट को परमानेंटली यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और अपना डेटा ब्रीच होने से बचा सकते हैं। अगर ऐसे ये वीडियो आप सभी को पसंद आई रहेगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप सभी के लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ।